हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ के आज के लेक्चर में। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के न्यूमेरिकल्स, और ये सारे न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के बुक्स के हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने एक टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में पढ़ा था, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल टू 3x4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4। मतलब हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है, और वो टेंजेंट है इस कर्व के ऊपर, और जिस पॉइंट पर हमें स्लोप निकालना है वो है x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 पर इस कर्व का हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपकी एनसीईआरटी की बुक या हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, जो सीक्वेंस है क्वेश्चंस का वो सेम है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का। 1 2 3 4 5 ये आपका 1 तो से अलग है ही, जब हम 2 को सॉल्व करेंगे तो 3 4 5 6 ये सब कुछ सेम रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हमें दे रखा है वाई 3x4 माइनस 4x। तो यदि आपको y दे रखा है तो आँख बंद करके पहला स्टेप होगा इसका डिफरेंशिएट, मतलब स्लोप। तो क्या हो गया, 4 3 12 x³ माइनस 4, ठीक है। तो हमें स्लोप निकालना है dy ओवर dx किस पे, एट x इज इक्वल टू 4। तो dy ओवर dx में जहाँ भी x आ रहा है वहाँ पर हम x की जगह y को पुट कर देंगे, तो 12 × 4³ माइनस 4, तो आंसर आया 764। ये हमारा हो गया आंसर। अब सपोज़ करिए, यदि वो नॉर्मल का स्लोप निकलवा रहा होता तो हमें नॉर्मल की स्लोप निकालने के लिए क्या करते, हमने इसको माना डी वाई ओवर डी एक्स को m1, और m2 माना हमने स्लोप नॉर्मल का अभिलंब का। तो जो m2 की वैल्यू होगी वो होगी माइनस का 1/m1। तो इसका आंसर क्या होता, माइनस का 1/764 किसके लिए, अभिलंब के लिए, नॉर्मल के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 सब इस तरीके से होंगे, ठीक है। यदि आपको डाउट है तो आप मुझसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये एनसीईआरटी की बुक का। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट में डिस्कस किया था कि यदि कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, ज़ीरो। मतलब डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। तो पॉइंट्स निकालने हमें x1 y1 या x2 y2 जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं देखते हैं। अभी कुछ नहीं कह सकते कि पॉइंट्स का कितना सेट हमारे पास आएंगे। तो y इज इक्वल टू दे रखा है x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। डी वाई ओवर डी एक्स निकाल देंगे तो ये आया 3x² माइनस 6x माइनस का 9, ठीक है। अब चूंकि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब इस वैल्यू को हम 0 के बराबर पुट कर देंगे तो 3x² माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 3 का डिवाइड किया तो x² माइनस 2x माइनस का 3 आया, ठीक है, 0। अब हमने इसके फैक्टर किए तो x² माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो ये आया x माइनस 3, यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन लिया तो अंदर भी x माइनस 3 बचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने x माइनस 3 कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 3, -1। तो जब x की 2 वैल्यू है तो y की भी 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो x की हमने जब x बराबर 3 रखा किस में, इस कर्व की इक्वेशन में, तो हमें y मिलेगा। तो y की वैल्यू क्या हुई, 3 3 का क्यूब माइनस 3 × 3² माइनस का 9 × 3 प्लस का 7। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा आपका माइनस का 20, ठीक। तो एक सेट हमारा ये बन चुका 3, -20, ठीक है। अब
अब हम लेंगे x बराबर माइनस वन, तो y की वैल्यू जब हम x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे इसकी तरह, तो आप सॉल्व करेंगे तो y का जो आंसर आएगा वो आएगा 12। तो एक सेट हमें क्या मिला, माइनस वन कॉमा 12। तो ये दो पॉइंट थे जो हमें चाहिए थे आंसर के रूप में, एक सेट ये और एक सेट ये, यही हमारा आंसर होगा। तो x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 2, तो x1 y1 x2 y2 क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, ये है कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप ऑफ माइनस वन। हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन को बनाना है जिनका स्लोप माइनस वन है और वो इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है। कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 1/x-1, जहाँ पर x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 0। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, समझ में आई बात। तो 1 को छोड़ के वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फिर सुन लीजिए, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस, हमें ऐसी लाइंस की इक्वेशन बनानी है जिनका स्लोप माइनस वन है और वो इस कर्व की टेंजेंट के रूप में है। ठीक है, चलिए, तो y इज इक्वल टू है 1/x-1, हमने इसका डिफरेंशिएट किया तो dy/dx ये आएगा सॉल्व करने के बाद -1/x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक। तो अब एक तो स्लोप हमारा ये निकल के आ गया, एक स्लोप दे रखा है -1, तो इसको हम -1 के बराबर पुट कर देंगे, तो -1/x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आया, x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लिया, x-1 इज इक्वल टू +-1। तो अब यहाँ पर हम एक बार +1 लेंगे, एक बार -1 लेंगे, तो x-1 इज इक्वल टू 1, और एक लेंगे x-1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ पर x की वैल्यू 0 आ गई। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम y की वैल्यू भी निकालेंगे। तो जब x की दो वैल्यू, तो y की दो वैल्यू होंगी। ठीक है, तो जब x बराबर 2 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2-1 इज इक्वल टू 1, और जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x 0 है तो -1 आएगी। एक सेट हमारा क्या बन गया, 2,1, और एक सेट बन गया 0,-1। अब इन दोनों पर, अब मतलब कुल मिला के हमारी दो लाइन बनने वाली हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से। तो पता ही है, जब हमें दो पॉइंट्स दिए हों तो लाइन की इक्वेशन क्या बनती है, y-y0 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू इंटू x-x0। यही दोनों इक्वेशन यहाँ भी लगेगी, यहाँ भी लगेगी। यहाँ पर y0 की वैल्यू 1 है और x0 की वैल्यू 2 है, इस केस में y0 की वैल्यू -1 होगी और x0 की वैल्यू 0 होगी। तो हम पहले इसके लिए निकालते हैं, तो y-1 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, जो क्वेश्चन में गिवन है -1। ठीक है, x-x0 कितना है, 2। तो y-1 इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2, x इधर आ गया तो y प्लस x हुआ, और 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, प्लस प्लस का हो गया 2+1 3। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई। ठीक, अब हम इसको लेके चलते हैं, तो y-1 इज इक्वल टू m कितना है, -1, x-x0 है 0, तो ये हो गया y+1 इज इक्वल टू -x, x उठ के इधर आ गया, तो y+x इज इक्वल टू 1 उठ के इधर आ गया, या फिर आप 1 को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, तो +1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से दो इक्वेशन, तो वो लाइनें दो होंगी जिनका स्लोप -1 है और इस कर्व के वो ये दोनों टेंजेंट हैं। आई बात समझ में,
तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।